कानपुर की नरवल तहसील स्थित नरोरा गांव निवासी एक नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला पूरे तहसील क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। मृतका भी 10 माह पूर्व ही जिस घर में विवाहिता बनकर आई थी, आज उसी घर के आंगन में उसकी अर्थी सजी हुई दिखाई। पिता राम आश्रय ने पति सुधीर और ससुर कमलेश पर दहेज लाभ के चलते पुत्री के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच के बाद मामला दर्ज कराने की बात कही। आपको बता दें कि विगत वर्ष दिसंबर माह में नरोरा ग्राम निवासी कमलेश के पुत्र सुधीर का विवाह राम आश्रय की पुत्री के साथ हुआ। कल अचानक देर रात्रि राम आश्रय को सुधीर ने जानकारी दी कि उनकी पुत्री घर के अंदर ही गिरकर घायल हो गई और उसकी हालत गंभीर है। आनन फानन में राम आश्रय ने नरोरा पहुंचकर देखा तो पाया कि उनकी पुत्री के शरीर में कई जगह पर चोट के निशान थे और वह मूर्छित अवस्था में थी। तुरंत गाड़ी का इंतजाम करके वह अपनी पुत्री को अस्पताल ले गए, जहां उनकी पुत्री को मृत बताया गया। मृतक पुत्री के शव को लेकर वह वापस नरोरा उसके ससुराल पहुंची और पुलिस को सूचना देकर आरोप लगाया कि पति सुधीर और ससुर कमलेश ने उनकी पुत्री के साथ मारपीट की है, जिसके चलते पुत्री की मौत हो गई। घटना हुई सर जी, घटना वही ये रात में हम सो रहे थे, ये बाथरूम करने आए थे, बाथरूम करके जा रहे थे सर जी, ये पटिया इसमें चाहे फंस गए हों, गिरे यहाँ पे गिरे हैं, हम सो रहे थे, हमारे बहुओं ने जगाया, भाभी भी होश पड़ी हैं, तो हम तुरंत जाके क्या नाम है दादा? राम आश्रय कुशवाहा। क्या करना हुई आज आपके? ये हमको 3 बजे सूचना मिली थी कि तुम्हारी कविता जो है गिर गई है, बेहोश हो गई, इनको होश नहीं आ रहा, तो हमने कहा लेके आओ इनको अस्पताल ले चलेंगे। तब ये गाड़ी में लेकर आए थे हमारे गाँव से, तो उसी गाड़ी में साथ में होगा, हम लोग साथ में गए, उन्हें देखा तो बिल्कुल मृत थी बिल्कुल। किस गांव की घटना? नरोरा की। हाँ, कौन सा है? नरवल। आपने बेटी की शादी कब की थी? 3 दिसंबर 2023 को। 3 दिसंबर 2023 को जी। आपको सूचना किसने दिया था? सुधीर ने। सुधीर आपका कौन है? दमाद। दमाद, क्या बताया था उसने? उन्होंने बताया गिर गई है कविता, बेहोश हो गई है, कोई होश नहीं आ रहा। क्या कहना चाहते? हम चाहते हैं कि उचित कार्यवाही हो, उसके चोटें बहुत ज्यादा हैं, वो मारी गई है 100%। किसी के ऊपर कोई शक है? हाँ, बस यही 2 लोगों के शक है, सुधीर के और कमलेश के। कमलेश कौन है? ससुर सुधीर का पिता। सर, नरवल थाना क्षेत्र में महिला की मौत का मामला सामने आया है, क्या घटना पूरी? थाना नरवल के अंतर्गत ग्राम नरौना में एक नवविवाहिता की हत्या की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की शादी लगभग 1 साल हुआ है अभी, तो उसके मायके वालों ने आरोप लगाया कि इसकी हत्या कर दी गई है, तो उसकी डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है, आगे और तहरीर लेके अग्रिम कार्रवाई की। सर, जांच में क्या पाया गया कुछ? जांच में क्या, चोट लगी थी महिला को, घर वाले कुछ और बता रहे हैं, पीएम में क्लियर हो जाएगा, पीएम भिजवा दी उसको, निश्चित रूप से कहा है। सर, किस कारण से मौत की गई है? अरे, गिरी है महिला, जैसा कि लोग बता रहे हैं, मायके वाले कह रहे हैं कि पीट के मारा गया है, पीएम होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दहेज को लेके कोई? अभी तो तहरीर देंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी ना, अभी तहरीर तो दें, वही वही तो बताएंगे कि क्या हुआ था, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी।